फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन मसाला। तो अब हम सब चलते हैं रेसिपी की ओर। मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, अब इसे हम गरम होने देंगे। ये गरम हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। 4 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अब हम इसे गरम होने देंगे। ये गरम हो चुकी है, अब इसमें एक मैंने छोटा चम्मच जीरा डाला है, 4 बड़े तेज पत्ते, 8 से 9 लाल मिर्च। इसे अब सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये काफी अच्छी तरह से भुना चुका है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। 1 केजी मैंने प्याज लिया है। गैस तेज करके इसे 3 से 4 मिनट भूनेंगे हम। ये काफी अच्छी तरह से भुना चुका है। अब इसमें मैं नमक डालूंगा। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। एक चम्मच हल्दी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये काफी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम सिम करके 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। ये काफ़ी अच्छी तरह से भुना चुका है। अब इसे गैस तेज करके 3 से 4 मिनट गैस तेज करके फ्राई करेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। चार चम्मच धनिया पाउडर। दो चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। अगर आपको कम तीखा पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। एक चम्मच गरम मसाला। दो चम्मच सफ़ेद गोलकी पाउडर। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे।
अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे फिर 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हमारे 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से भुना चुका है। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। 2 केजी मैंने चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तेज गैस पे। ये काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम बारीक कटे टमाटर डालेंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम आधे घंटे के लिए सिम गैस पे ढक देंगे। अब हमारे आधे घंटे पूरे हो चुके हैं, ये काफ़ी पानी छोड़ चुका है। अब गैस तेज करके इसे अच्छी तरह से भूंजेंगे। ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन जा चुका है। अब इसमें 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इसे हम 2 मिनट गैस तेज करके खौलाएंगे। अब हमारे 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से खोल चुका है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।